वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो हमारा ये सिक्स स्टैंडर्ड है, हमारा जो चैप्टर है ये है द अर्थ डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें आज तक हमने जो पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है इसमें मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके बारे में पढ़ा है। लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा है, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा है हमने, और एटमॉस्फेयर के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। और इसके अलावा इसमें हमने कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन कंटिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद ओशंस के बारे में पढ़ा है, जैसे फोर मेजर ओशन जो हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और अर्कटिक ओशन, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कुछ हमें डिफिनीशंस करनी है, कुछ डिफाइंस करने हैं हमने। जैसे सबसे पहले है सट्रा, नंबर वन सट्रा, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मीन बाय सट्रा। It is a narrow passage of water connecting two large water bodies like sea and ocean। स्ट्रॉट किसे कहते हैं? इट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन, यानी ये एक नैरो, ये एक तंग पैसेज है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। यानी जो ये सी का वाटर होता है ये जाके समुद्र में मिलता है, ओशन में जाके मिलता है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रैट कहते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है अस्थमास है, नंबर टू अस्थमास। It is a narrow strip of land joining two land masses. अस्थमास किसे कहते हैं? इट इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, यानी एक नैरो स्ट्रिप है किसकी? लैंड की, जो दो जमीन के मासेस को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ओके, थर्ड वन इज ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट किंगडम है द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ये पार्ट है बायोस्फीयर का जिसमें क्या है? प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, दरख्त और पौधे वगैरह इसमें हैं। ओके, तो ये इसके तीन पार्ट्स हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और बाकी
जो रह गए हैं उनके बारे में। ओके, थैंक्स, टेक केयर।